नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्वालिटी एंड फैक्ट फॉर यूपीएससी नेट के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेक्चर सीरीज के अंदर ये मेरा 17वां लेक्चर है और इसके अंदर मैं दिसंबर 2016 के क्वेश्चन पेपर को, सॉरी दिसंबर 2015 के क्वेश्चन पेपर को आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस पेपर को। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौटिल्य के राज्य का अंग नहीं है। दोस्तों, सप्तांग थ्योरी जो कौटिल्य ने दी है उसमें स्वामी, अमात्य, दंड, मित्र, दुर्ग और कोष है। ठीक है, सात अंग उन्होंने बताया है। वर्ण व्यवस्था इनके राज्य का अंग नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी इज रॉन्ग। ठीक है, प्लेटो के परिवार तथा संपत्ति के साम्यवाद के सिद्धांत की व्युत्पत्ति मुख्य किसके अनुभव से हुई। मतलब जो प्लेटो का साम्यवाद है परिवार और संपत्ति का, वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है? तो ये पहले स्पार्टा में थी, है उस टाइम ये स्पार्टा में चल रही थी, तो उन्होंने यहीं से ली है। तो इसका करेक्ट आंसर है ओनली बी, डी इसका करेक्ट आंसर है। मध्यकाल के स्कॉलिस्टिज्म का उद्देश्य था। स्कॉलिस्टिज्म क्या होते हैं? जो धर्म की सत्ता में विश्वास करते हैं और धर्म को ऊपर मानते हैं। ठीक है, आध्यात्मिक क्षेत्र पर राजनीतिक क्षेत्र की सर्वोच्चता स्थापित करना, बिल्कुल गलत। आप यहाँ मध्यकाल से ही समझ सकते हैं। मध्यकाल को क्या डार्क एज बोला जाता है ना, क्योंकि उस टाइम क्या है, राज्य बहुत नीचे चला गया था और धर्म बहुत ऊपर चला गया था। तो आध्यात्मिक क्षेत्र पर राजनीति की सर्वोच्चता तो बिल्कुल नहीं थी उस टाइम। राजनीतिक शासन व्यवस्था बौद्धिक स्वतंत्रता, बौद्धिक स्वतंत्रता तो थी ही नहीं। जहां पर धर्म होता है वहां पर बौद्धिक स्वतंत्रता नहीं होती है, वहां मूर्ख ज्यादा होता है। ठीक है, दर्शन के ऊपर धर्म का प्रभुत्व, बिल्कुल फिलॉसफी के ऊपर धर्म का प्रभुत्व था। इसी कारण वहां पे ब्रूनो तक को मतलब जिंदा जला दिया था पोल से टांग के, और गैलीलियो को भी मारने की उन्होंने कोशिश की थी, क्योंकि वो फिलॉसफी मानते ही नहीं थे बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, उनका बस धर्म के ऊपर विश्वास था। ब्रूनो ने क्या बोला था कि पृथ्वी घूमती है और सूरज स्थिर है, उस बात को लेके उनको क्या है, जिंदा जला दिया था चौराहे पे। चर्च के धार्मिक तत्वों के अधीन बुद्धि संगत तत्वों को लाना, बिल्कुल सही बात है। जो चर्च के धार्मिक तत्व थे ना, उसके अधीन बुद्धि संगत तत्वों को लाना, मतलब स्कॉलिस्टिक पद्धति उसी को बोला जाता है जिसके द्वारा धर्म की वैधता को तर्कसंगत ठहराया जाए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी और डी, सी और डी एक इसका करेक्ट आंसर है। अब ये सूची एक को सूची दो से मिलाना है। आधुनिक राजनीतिक विचारक या आधुनिकता जो राजनीतिक विचारक है वो है मैकियावेली, फर्स्ट मॉडर्न थिंकर मैकियावेली को माना जाता है। निश्चयात्मक विचारधारा से जुड़े हैं ऑगस्ट कामटे, इन्होंने पॉजिटिविस्ट थ्योरी दी है। ठीक है, और उसके अंदर निश्चयात्मक का क्या मतलब है, मतलब पॉजिटिव फिलोसफी की इन्होंने बात की थी। निगमनात्मक राजनीतिक सिद्धांत, अब दोस्तों इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। निगमनात्मक होता है डिडक्टिव, डिडक्टिव जो बाहर निकल रहा है इसको बोला जाता है डिडक्टिव को, जनरल टू स्पेसिफिक, तो डिडक्टिव मेथड दिया है प्लेटो ने। और वैज्ञानिक विधि या आगमनात्मक, इसमें वैज्ञानिक भी दिया तो आपको पता ही है ये अरस्तु ने यूज किया है। अब इसको निगमनात्मक और आगमनात्मक को कैसे यूज रखना है, इंडक्टिव, इनका मतलब होता है अंदर। ठीक है, अंदर मेरे अंदर से जो चीज निकल रही है, इन इन मतलब मेरे अंदर, तो मैं क्या हूं, स्पेसिफिक बंदा हूं ना, स्पेसिफिक हूं मैं, स्पेशल बंदा हूं। ठीक है, तो स्पेसिफिक टू जनरल, जो स्पेसिफिक टू जनरल जाती है उसको बोला जाता है इंडक्टिव, और जो जनरल टू स्पेसिफिक आती है उसको बोला जाता है डिडक्टिव। तो चार का करेक्ट आंसर होगा, एक का दो और दो का तीन, तो इसका करेक्ट आंसर है ए। देखते क्वेश्चन नंबर 5। ये असर्शन और रीजन की क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसको। शक्ति भ्रष्ट बनाती है और पूर्ण शक्ति पूर्ण रूपेण भ्रष्ट बनाती है। दोस्तों ये लॉर्ड एक्टन ने बोला था। ठीक है, पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, तो आपने लॉर्ड एक्टन को भी याद रखना है क्योंकि इनके बारे में भी यहां पूछा जा सकता है। लोकतंत्र में शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध
सर्वोत्तम नियंत्रण होता है क्योंकि शक्ति विभिन्न समूहों में विभाजित होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लोकतंत्र में शक्ति विभिन्न समूहों में विभाजित होती है, इसलिए वहां पे शक्ति भ्रष्ट नहीं बना सकती। तो बिल्कुल सही इसका ये यहाँ पे व्याख्या कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए और आर, दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 6, सूची एक को सूची दो से मिलाना है, बहुत सिंपल है। जॉन लॉक आपको पता है, इन्होंने संपत्ति का सिद्धांत दिया है, सम्मति का दिया है, लेकिन इन्होंने संपत्ति का सिद्धांत दिया था। और हॉब्स ने पूर्ण प्रभुसत्ता या निरंकुश प्रभुसत्ता की बात की थी। हॉब्स की प्रभुसत्ता कैसी है कि एक तरफा तो समझौता हुआ है, हॉब्स की जो सामाजिक समझौता है, और जो राजा होगा वो संप्रभु होगा, उसके ऊपर कोई नहीं होगा, ना उसको कोई हटा सकता है, ना उसके विरुद्ध कोई रिवोल्ट कर सकता है, मतलब पूर्ण प्रभुसत्ता से जुड़े हैं। जयप्रकाश नारायण ने दलविहीन लोकतंत्र की बात की थी कि कोई भी दल नहीं होगा, और इन्होंने समग्र क्रांति की भी बात की थी। रॉबर्ट नोजिक आपको पता ही है, ये नव उदारवाद या स्वच्छंदतावाद से जुड़े हुए हैं। तो 6 का करेक्ट आंसर है ए ए। क्वेश्चन नंबर 7, विचारक को उनके सिद्धांत से जोड़ना है, और मार्क्सिज्म के सारे थिंकर है, इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन भी आपको होगी, लेकिन अगर आपने इनको ध्यान से पढ़ा है तब कंफ्यूजन नहीं होगी यहां पे। लेनिन, दोस्तों मार्क्सवाद के अंदर लेनिन ने सबसे पहला संशोधन क्या किया था? मार्क्स बोलते थे कि सामाजिक क्रांति के बाद क्या है, मजदूर शासन करेंगे, लेकिन लेनिन ने क्या बोला कि मजदूरों में इतनी अक्ल नहीं है और इतने उनके अंदर सामर्थ्य नहीं है कि वो शासन करें, इसलिए उन्होंने बोला कि कम्युनिस्ट पार्टी मजदूरों की ओर से शासन करेगी, और मजदूरों को वो मतलब एकत्रित या उनका एकीकरण करेगी। ठीक है, तो बी का यहाँ पे 4 है, तो बी का 4 यहाँ पे दो जगह है। देखते मार्क्स मार्क्स ने बात की थी सर्वहारा अधिनायकवाद, मतलब मजदूरों का अधिनायकवाद होगा, लेकिन यहाँ पे सर्वहारा के अग्रणी के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी। तो सी का एक यहाँ पे और बी का 4, सॉरी बी का चार और सी का एक यहाँ पे है सिर्फ। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे है ए, माओत्से तुंग ने बात की थी सांस्कृतिक क्रांति की। और स्टॉलिन आपको पता होगा, एक राष्ट्र समाजवाद, सोशलिज्म इन अ कंट्री, इन्होंने एक बुक भी लिखी है सोशलिज्म इन अ कंट्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, कार्ल मार्क्स की निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशित होने के वर्ष के अनुसार सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये मैंने पेपर दिया था, इसमें मैंने नेट क्वालिफाई किया था, ये दिसंबर 2015 का क्वेश्चन पेपर है। तो ये इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुआ था, मुझे नहीं पता था कि वैसे मार्क्स से ही इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसमें देखो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो सबको पता है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा है 1848 के अंदर, 1848 के अंदर। क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इनकी बुक है, और इसको दास कैपिटल या पूंजी भी यहीं से इनकी निकली है, मतलब यही एक उसका सोर्स है। तो क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी आई है इनकी 1859 में, 1859 में। पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी इन्होंने क्या बोलते हैं, प्रूधों की आलोचना में लिखी है, प्रूधों ने दी थी फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी, उसकी इन्होंने आलोचना में ये बुक लिखी थी, और ये इन्होंने लिखी है 1947 के अंदर, 1947 के अंदर। और हॉली फैमिली इनकी सबसे पहली रचना है, द हॉली फैमिली। इसमें उन्होंने बताया, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले ये क्या थे, ज्यूश थे कार्ल मार्क्स, और इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया था। तो द हॉली फैमिली लिखी है 1845 के अंदर। तो 8 का करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 9, समुदायवादी सिद्धांत बल देता है। दोस्तों आपने ये कम्युनिटेरियनिज्म अच्छे से समझ लेना है, मैंने वीडियो भी डाली होगी, आपने देखी होगी। तो आप
कम्युनिटेरियनिज्म से बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ही सिंपल पूछा है। इसने क्या बोला है, अपरिहार्य आदर्श के रूप में समुदाय, कि समुदाय के बिना कुछ भी नहीं है, अपरिहार्य है कि समुदाय के बिना व्यक्ति नहीं हो सकता है। तो इन्होंने इसी के ऊपर एम्फेसाइज किया था। क्वेश्चन नंबर 10, व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य मूल्यों की भूमिका समाप्त कर राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान बनाना तथा इसे क्वांटिटेटिव बनाना था, मात्रात्मक बनाना था। तो बिल्कुल इन्होंने यही किया था। तो ये बिल्कुल सही बात यहाँ पे है कि इन्होंने क्या है, व्यवहारवादी का लक्ष्य था मूल्यों की भूमिका इसमें समाप्त कर देना, वैल्यूज की। और दोस्तों जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म है उसके अंदर मूल्यों को वापस ले लिया था, ठीक है, लेकिन व्यवहारवादी में मूल्यों को बिल्कुल दरकिनार कर दिया था। वैल्यूज कुछ नहीं होती इंसान की, ठीक है, इन्होंने ये बोला था, उसका राजनीति में कोई काम नहीं है, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद ने वापस ले लिया था, ठीक है। तो ये बिल्कुल राइट है। उसके बाद, एक सामाजिक विज्ञान होने के कारण राजनीति विज्ञान को कभी मूल्य विहीन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसका संबंध मानव से है जो मूल्यों से बंधे होते हैं। अब दोस्तों व्यवहारवादी का यहाँ पे तर्क दिया गया है, लेकिन तर्क के अंदर सॉरी अभिकथन में क्या दिया गया है, व्यवहारवाद, लेकिन यहाँ पे तर्क के अंदर उत्तर व्यवहारवाद की बात की गई है, क्योंकि उत्तर व्यवहारवाद ने मूल्यों को वापिस लिया था। तो इसका क्या मतलब है तो दोनों सही, लेकिन ए और आर दोनों सही है और आर ए के सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, किसके वर्णन में मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में अल्पतंत्र थे। दोस्तों ये क्वेश्चन दूसरी बार आया है, रिपीट हुआ है, लेकिन इसको डिफरेंट टाइप से पूछा गया है। तो ग्रैनविल ऑस्टिन थे, इन्होंने लिखे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ नेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ नेशन, उसके अंदर इन्होंने ये जो एलीट की बात की है, इन चारों को इन्होंने एलीट बताया है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 के अंतर्गत पारित नहीं किया जा सकता है, पारित नहीं किया जा सकता है, ये नहीं किया जा सकता है, पुलिस बल ये पुलिस बल अधिकारों का निलंबन अधिनियम, इसको आप्सपा भी बोला जाता है। आपको पता है मेघालय में, असम में, मणिपुर में, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में आप्सपा लगा होता है, तो आप्सपा आर्टिकल 34 के अंतर्गत नहीं आता है, सॉरी ये पुलिस बल मैंने गलत यहाँ पे कर दिया है, ये सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम है। पुलिस बल अधिकारों का तो 34 में वर्णन है, इसमें थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था, लेकिन ये सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, तो इसका करेक्ट आंसर है 3, इसको स्थगित नहीं किया जा सकता इसके अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का उच्चतम न्यायालय अंततः गणराज्य के 32 वर्ष बाद भारतीयों के लिए उच्चतम न्यायालय बन गया है, ये कथन किसका है। दोस्तों ये इस टाइप के क्वेश्चन शायद ही रिपीट हो, फिर भी आप लोगों को जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, ये जस्टिस उपेंद्र बख्शी ने कहा था। भारत का लोकतंत्र के विचार बहस में पवित्र स्थान है, ठीक है, भारत का लोकतंत्र के विचार बहस में पवित्र स्थान है, परंतु यह कम सहिष्णु। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है कि लोकतंत्र में तो इनका पवित्र स्थान है, लेकिन भारत क्या है, कम सहिष्णु है, कम पंथ निरपेक्ष है और कम विधि अनुसरण करता है, कम उदार हो गया है, ठीक है, आज के टाइम में बहुत ही कम उदार हो गया है और धार्मिक कट्टरता यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ गई है, और ये दोनों प्रवृत्तियाँ लोकतंत्रीकरण और अनुदारवाद एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है, ये कथन किसका है। दोस्तों ये कथन है फरीद जकारिया का। दोस्तों आपको कमेंट में मुझे बताना है फरीद जकारिया ने कौन सी पुस्तक लिखी है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मैं आपको दो बार फरीद जकारिया की पुस्तक बता चुका हूं, आई होप आपको ये रिमेम्बर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने कार्यस्थलों में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु व्यापक दिशा निर्देश जारी किए। दोस्तों आपको पता होगा विशाखा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, ये मामला 1997 में उठा था और उसके बाद ही जो दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं हर एक इंस्टीट्यूशन में कि यौन उत्पीड़न के लिए कमेटी हो, नारी के जो मतलब उनके साथ कुछ भी बदतमीजी की जाती है उसके लिए एक कमेटी बनानी चाहिए, तो ये विशाखा बनाम राजस्थान व अन्य राज्य 1997, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16,
अब ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से रिपीट तो नहीं होगा, फिर भी इसको एक बार देख लेते हैं। राम विलास पासवान जुड़े हैं लोक जनशक्ति पार्टी, लोजपा, लोजपा के आई थिंक ये हेड भी रहे हैं, अभी भी है शायद, मुझे करेक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन आपने चेक कर लेना है। रामविलास पासवान लोजपा से हैं, उसके बाद HD कुमार स्वामी जनता दल सेक्युलर से, प्रफुल्ल पटेल तो सभी को पता है ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से हैं, अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ये समाजवादी पार्टी से हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान की 12वीं अनुसूची द्वारा नगर पालिकाओं के क्षेत्र के अंदर कितनी कार्यात्मक मदें रखी गई है। दोस्तों क्वेश्चन से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, 12वीं अनुसूची जब नगर पालिकाओं की बात कर रही है, तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिका है, इसके अंदर 18 मदें रखी गई है, ठीक है, नगर पालिका के अंदर 18 मदें रखी गई है, और पंचायतों के अंदर, पंचायती राज के अंदर 29 मदें रखी गई है, ये भी आपको याद होना चाहिए। मदों का मतलब है कितने विषय के ऊपर कानून बना सकती है या कार्य करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, इसको आपने काल क्रम में करना है कि कौन सी कमेटी कब बनी और ये कब आई, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारी की सारी समितियां हैं। तो सबसे पहले पुंछी आयोग बना था सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए, और ये 2007 में बना था। उसके बाद आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, ये इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था और 1973 के अंदर हुआ है। प्रशासनिक सुधार आयोग सभी को पता है 1966 के अंदर बना है, और राजमन्नार कमेटी बनी थी 1969 के अंदर। तो 18 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ रहा है CDBA, डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे थे, मतलब कौन इसमें नहीं रहे थे, रवि रॉय। दोस्तों इसकी एक मैंने शॉर्टकट ट्रिक भी बताई है, मैं जल्दी से इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, कि बलिराम दो बार आए, नहीं गणेश दो बार आया, बलिराम भगत की बलि लेने, इस टाइप का कुछ है, तो मैं आपको वो भी डाल दूंगा। हुकम सिंह भी रहे हैं, बलिराम भगत भी रहे हैं, लेकिन जो गोपाल स्वरूप पाठक है, गोपाल स्वरूप पाठक क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है, भारत के क्या रहे हैं, उपराष्ट्रपति 1969 से लेके 1974 तक। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 20, ये बुक्स यहाँ पे दी है और ये थिंकर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉर्मन डी पामर, ये जो पामर की बुक है लाइब्रेरी में इजीली अवेलेबल है, और इसके अंदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट को समझने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा। ये है इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट साउथ एशियन एक्सपीरियंस, साउथ एशियन एक्सपीरियंस, ग्रैनविल ऑस्टिन, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉर्नस्टोन ऑफ अ नेशन, मायरन विनर पॉलिटिक्स ऑफ स्कैसिटी, ठीक है, स्केयरसिटी क्या है, पॉलिटिक्स ऑफ स्केयरसिटी, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझने के लिए कि स्केयरसिटी क्या है, ठीक है, आप कमेंट में लिखिए, वैसे मैं भी आपको इसको बता दूंगा कि व्हाट इज स्केयरसिटी, ठीक है। अतुल कोहली द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, इन्होंने बुक लिखी है। तो 20 का करेक्ट आंसर है ए, 2 3 4 1। क्वेश्चन नंबर 21, डेविड ईस्टन ने निम्नलिखित में से किन्हें प्रणाली विश्लेषण, जो सिस्टम एनालिसिस इनकी बुक 1953 में आई थी, को बौद्धिक आधारशिला के रूप में वर्णित किया है, नीचे दिए गए कूटों में से आपको बताना है। देखो इन्होंने जो सिस्टम एनालिसिस के अंदर व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई है, ठीक है, व्यवहारवाद की 8 और उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषताएं इन्होंने बताई है। तो उसके अंदर इन्होंने नियमितताएं, रेगुलेशन भी बताई है, वेरिफिकेशन भी, टेक्निक भी, और क्वांटिफिकेशन भी इन्होंने बताई है। तो उसका करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 22, डैश किसके पश्चात तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन महत्वपूर्ण हो गया। दोस्तों तुलनात्मक राजनीति आपको पता है 1950
50 के बाद ये अस्तित्व में आई है और एक अलग से डिसिप्लिन के रूप में भी 1950 के बाद आई है। तो उसका क्या कारण था? एक तो द्वितीय विश्व युद्ध, क्योंकि पहले क्या था, पहले तुलना नहीं की जाती थी, सिर्फ इंस्टीट्यूशन की तुलना की जाती थी या फिर छोटी मोटी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। क्योंकि युद्ध क्यों हुआ, अब उसकी तो कंपेरिजन मतलब तुलना करनी पड़ेगी, युद्ध हुआ उसको कैसे रोका जाए, एक तो ये कारण है। दूसरा है 1950 के बाद डीकोलोनाइजेशन शुरू हो गया था और नए राष्ट्रों का उदय हुआ, बहुत सारे राष्ट्र थे, इसलिए कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का होना बहुत ज़्यादा जरूरी था। तो इसका करेक्ट आंसर है बी और सी, तो दो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसे तुलनात्मक राजनीति का जनक माना जाता है? सो सिंपल, क्योंकि अरस्तु ने 158 संविधानों का जो अध्ययन किया था और उसकी तुलना भी की थी, इसलिए अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति का जनक माना जाता है। लेखक को आपने शीर्षक जो इन्होंने थ्योरी दी है अपना या सिद्धांत या अप्रोचेस दी है उसके साथ आपने मैच करना है, और ये एलिड थ्योरी से, मैं आपको बता चुका हूँ कि एलिड थ्योरी से 2 या 3 क्वेश्चन हर बार आते हैं, तो इसको आप ध्यान से पढ़ें। CW मिल ने दिया है शक्ति अभिजन, और ये अमेरिका के ऊपर इनकी जो स्टडी बेस थी, ठीक है। उसके बाद है विल्फ्रेडो पेरेटो, फोर्थ टाइम ये क्वेश्चन आया है, ये है अभिजनों का परिचलन या संचलन या सर्कुलेशन, 3 टाइप से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभिजनों का परिचलन मतलब सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स, जो आज एलिट है कल वो नॉन एलिट बनेंगे और परसों हो सकता है दोबारा एलिट बन जाए, ठीक है। जिसे अभी कांग्रेस सत्ता में है, कल को बीजेपी आएगी, परसों को कांग्रेस वापस आ सकती है, ठीक है। गैटेना मोस्का ने दिया है रूलिंग क्लास, रूलिंग क्लास इन्होंने बुक लिखी है सत्ता वर्ग, ठीक है। और रॉबर्ट मिशेल्स आपको पता है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, अल्पतंत्र का सख्त कानून, और ये जर्मनी के ऊपर इनकी स्टडी बेस्ड थी। तो 24 का यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन दबाव समूहों के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है हित अभिव्यक्तिकरण, बिल्कुल लोगों का हित अभिव्यक्त करते हैं कि लोग क्या डिमांड कर रहे हैं। राजनीतिक दलों का वित्त पोषण, बिल्कुल सही बात है, ये जो छोटे मोटे ग्रुप होते हैं ना बहुत ज़्यादा धन देते हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपका प्रेशर ग्रुप RSS है, RSS एक प्रेशर ग्रुप है, वैसे ही बहुत सारे प्रेशर ग्रुप हैं। तो वो क्या करते हैं, जो राजनीतिक दल जैसे BJP को बहुत ज़्यादा धन दे देंगे या फिर इस टाइप का, मतलब उनका वित्त पोषण ये करते हैं। उसके बाद सी, सरकार की नीतियों को प्रभावित, बिल्कुल इसीलिए तो बनी होती है कि सरकार की नीतियों को प्रभावित कर अपने पक्ष में करना, लेकिन नीतियाँ लागू कौन करता है, नीतियों को लागू करती है सरकार, नीतियों को लागू करती है सरकार, तो इसमें से एक ही गलत है डी। तो इसका करेक्ट आंसर है 3, डी यहाँ पे सिर्फ गलत है। क्वेश्चन नंबर 26, अब ये सूची को सूची 2 से मिलाना है, और ये मतलब इस टाइप की जो तुलना होती है ना, इस टाइप की तुलना, इसको क्लासिकल कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर रखा जाता है, जहाँ पे संस्थानों की इंस्टीट्यूशन की तुलना होती है, ठीक है। तो भारत, और ये क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के पूछा है, भारत में क्या है, न्यायिक पुनर्निरीक्षा है, मतलब वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू है, लेकिन आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि USA से ही तो भारत ने लिए, तो USA को क्यों ना जोड़े। अब देखो दोस्तों, USA के अंदर क्या है, USA के अंदर है कानून की उचित प्रक्रिया, हालांकि भारत में क्या है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इस बात को आप नोट कर लो अभी और इसको रट लो और याद कर लो, याद करने में भी इजी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। भारत में है कानून द्वारा स्थापित और USA में है कानून की उचित प्रक्रिया, ठीक है। UK के अंदर आपको पता है कानून का शासन है और डायसी ने ये कानून का शासन दिया है इंग्लैंड के अंदर, और फ्रांस में आपको पता है न्यायालयों के 2 सेट होते हैं, एक प्रशासनिक होता है और एक सिविल होता है, ठीक है। 2 प्रकार के न्यायालय होते हैं फ्रांस के अंदर। तो 26 का यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी, 2, 4, 1, 3। क्वेश्चन नंबर 27, अरस्तु द्वारा किए गए सरकारों के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है। दोस्तों आप इसको पढ़ोगे ना तीनों को, आप इजीली इसमें से आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा नहीं है। सरकार साझे हितों के वशीभूत होती है तथा संपूर्ण समुदाय के साझे हितों के प्रति असंवेदनशील होती है। दोस्तों वो उन्होंने बोला था संवेदनशील होती है, ठीक है, असंवेदनशील यहाँ पे गलत है। तो 27 का क्वेश्चन सही आंसर है डी, 4। लियोनार्ड बिंडर आदि विचारकों द्वारा अपनी पुस्तक क्राइसिस एंड
सिक्वेंसेस इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट में उल्लेख किया गया है। दोस्तों, जो इनकी लियोनार्ड बिंडर की पुस्तक थी, इसमें इन्होंने 6 संकटों की पहचान की है जो कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट में बाधा होती है। ठीक है, तो 6 की थी, तो यहाँ पे 4 दिए हैं। पहचान का संकट, बिल्कुल इन्होंने बात की है पहचान के संकट की। उसके बाद इन्होंने बात की है वैधता के संकट की। ठीक है, वैधता के संकट के बाद भागीदारी का संकट, जो कि इसमें नहीं है भागीदारी, पार्टिसिपेशन। लोग पार्टिसिपेशन ही नहीं करेंगे तो पॉलिटिकल डिके होगा ना, डेवलपमेंट तो नहीं होगा। और उसके बाद इन्होंने बात की है वितरण का संकट, वितरण का संकट, क्राइसिस इन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन वो आपकी जॉब हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन जो समाज के अंदर लोगों को सुविधाएं दी जाती है राज्य द्वारा, उसमें भी क्या हो सकती है, क्राइसिस आ सकती है। उसके बाद समेकन का संकट, और लास्ट है संसाधन जुटाने का संकट। ये 4 तो है, इसके अतिरिक्त 2 भी आपने याद रखने हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, और एक लास्ट अभी 5 बताया, 5वां है एकीकरण का संकट, कि लोगों में एकीकरण या उनको एकत्र करने में भी बाध्यता आ सकती है। निम्नलिखित में से कौन से कारक संचार सिद्धांत में लॉर्ड कैपेसिटी से संबंधित है? दोस्तों, लॉर्ड, लैग, लीड, गेन, ये संचार सिद्धांत के अंदर है ना, कि संचार कैसे रन करता है किसी सिस्टम के अंदर, उससे रिलेटेड है। तो आपने बताना है अनुक्रियाशीलता, बिल्कुल सही बात। और इसको हिंदी में थोड़ा टफ है, इंग्लिश में इसको पढ़ोगे तो आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो, रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस लोड कैपेसिटी का मतलब, अगर सिस्टम रिस्पॉन्सिवनेस होगा, जल्दी से रिस्पॉन्स करेगा, तो क्या होगा, लोड कैपेसिटी बढ़ेगी। ठीक है, फिडेलिटी, फिडेलिटी का मतलब है विश्वसनीयता। जैसे वाईफाई होता ना, वाईफाई, वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फिडेलिटी। फिडेलिटी मतलब जिसके अंदर विश्वसनीयता होती है, विश्वास कर सकते हैं जिसके ऊपर। तो लोड कैपेसिटी कहाँ से बढ़ेगी, अगर उसके अंदर विश्वसनीयता या फिडेलिटी होगी। उसके बाद बैकग्राउंड नॉइस, बैकग्राउंड नॉइस होती है ना, जिसको शोर बोलते हैं या फिर संचार में बैरियर्स बोलते हैं। ठीक है, जो बाधाएं होती है वो क्या है, लोड कैपेसिटी को घटाती है। ये 2 तो बढ़ाते हैं, ये घटाती है, तो ये भी तो प्रभावित ही कर रही है ना, घटा रही है। उसके बाद है डिस्टोर्शन, तोड़ मरोड़। ठीक है, सूचनाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, उससे भी लोड कैपेसिटी के ऊपर प्रभाव नेगेटिव पड़ता है। 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, लेकिन चारों ये प्रभाव डालते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, सॉरी 30, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से यह किसका कथन है, शक्ति वह है जिससे लोगों से काम कराया जा सकता है तथा उसके अभाव में व्यक्ति काम नहीं करते। ये रॉबर्ट डहल ने कहा है। दोस्तों, यहाँ पे देखो कितना टफ क्वेश्चन आया है। अन्ना आरेंट है, या ऑडेंट, यहाँ पे गलत लिखा है, हन्ना आरेंट, इन्होंने भी शक्ति की बात की है, रॉबर्ट डहल ने भी, मैक्स वेबर ने भी, और हैंस जे मोर्गेंथू, चारों शक्ति से संबंधित है, लेकिन करेक्ट आंसर रॉबर्ट डहल है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। संगठन के सिद्धांतों के विकास में निम्नांकित में से कौन संबंधित नहीं है? दोस्तों, संगठन के सिद्धांत मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, आप उसको देख लें, जो पब्लिक एड आप प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। हेनरी फ्योल, बिल्कुल, संगठन के 14 सिद्धांत इन्होंने दिए, तो संगठन के सिद्धांतों का विकास किया है ना। और एल एफ उर्विक और लूथर गुलिक भी संगठन के सिद्धांत से जुड़े हैं, लेकिन एल डी वाइट एक विद्वान है, लेखक है, इन्होंने पब्लिक एड की बहुत सारी बुक लिखी है, लेकिन इन्होंने इस टाइप की संगठन की थ्योरी कोई नहीं दी है, तो इसका करेक्ट आंसर है 2, ये इससे संबंधित नहीं है एल डी वाइट। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नांकित में से कौन 10 वर्षों तक अमेरिकी कंपेरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप के अध्यक्ष रहे? दोस्तों, मैंने सबसे पहले ये वीडियो बनाई थी फ्रेडरिक्स के ऊपर, फ्रेड डब्ल्यू रिग्स के अंदर, और ये कंपेरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप जो बना था 1952 के अंदर, वहाँ पे ये 1962 तक उसके अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, उसके बाद चेंज हो गए थे, शायद वीडनर बने थे उसके बाद। ठीक है, तो ये आप फ्रेड रिग्स को एक बार वीडियो जरूर देख ले, क्योंकि उसके अंदर इनके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने दिए हैं, और आप कंफर्म कर ले कि ये 1952 से रहे हैं या 1950 से, क्योंकि मुझे ज़्यादा, मतलब अभी मैं भूल गया हूँ, एक बार में इसका मुझे भी रिवीजन करना पड़ेगा, तो आप ये मेरी वीडियो देख सकते हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन में वन बेस्ट वे का अर्थ होता है, वन बेस्ट वे, ठीक है, वन बेस्ट वे, एक ही रास्ता जो सबसे अच्छा रास्ता है, उसका मतलब है कार्य विधियों का मानकीकरण।
जब आप कार्य विधियों का मानकीकरण कर देंगे ना, स्टैंडर्डाइजेशन कर देंगे कि 1 घंटे में अगर आप एक बैग बना सकते हो तो आपने एक ही बनाना है, आप 2 बनाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, वहां पे गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप 1 घंटे में आधा ही बैग बना पा रहे हो तो भी वहां पे डिस्टरबेंस होएगी। तो इसका कार्य विधियों का मानकीकरण कि कामों को कैसे जल्दी से जल्दी करना है और कैसे उनको इफेक्टिवली करना है। निम्नांकित में से कौन यूएसए में एक स्टाफ एजेंसी नहीं है? ये दोस्तों स्टाफ डिपार्टमेंट, ओ सॉरी, स्टेट डिपार्टमेंट यहाँ पे स्टाफ एजेंसी नहीं है, ऑफिस ऑफ बजट एंड मैनेजमेंट है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और द व्हाइट हाउस भी है। तो इसका करेक्ट आंसर एक है। एफएम मार्क्स द्वारा नौकरशाही के वर्गीकरण का सही अनुक्रम क्या है? अब देखो, एफएम मार्क्स ने नौकरशाही के बारे में बात की है, दल व्यवस्था के बारे में बात की है, लेकिन इनका महत्वपूर्ण योगदान मैक्स वेबर के बाद नौकरशाही में रहा है। मैक्स वेबर सबसे पहले, उसके बाद एफएम मार्क्स रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि कहाँ से शुरू होती है नौकरशाही? इन्होंने गार्डियन ब्यूरोक्रेसी से बात की है, अभिभावक नौकरशाही, और सबसे लास्ट में इन्होंने बताया था प्रतिभा नौकरशाही। जो प्रतिभा के आधार पे नौकरशाही हो, जिसके अंदर प्रतिभा है वही नौकरशाह बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहला है अभिभावक, तो बी यहाँ पे देख लेते हैं, 2 के अंदर है, और सबसे लास्ट है ए, बी ए दोनों के अंदर है। उसके बाद इन्होंने पहले बताया इन्होंने अभिभावक, फिर बताया इन्होंने संरक्षण, संरक्षण के बाद जाति के आधार पे, और सबसे लास्ट में प्रतिभा। तो बी सी डी ए, बी सी डी ए, बी सी डी ए है यहाँ पे, 2 का सही, 2 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में निष्पादन बजट निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर शुरू किया गया? दोस्तों निष्पादन बजट जो कार्य को निष्पादित करने के लिए दिया जाता है, बीच में भी दिया जाता है, तो ये प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग रिपोर्ट जो कि 1966 में आई थी, उसने ये सुझाव दिया था। सरकारी नियुक्तियों में मूल निवास योग्यता का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया? दोस्तों इंडिया में भी है ना ये, इसको बोला जाता है क्या बोलते हैं, बोनाफाइड, बोनाफाइड सर्टिफिकेट मांगते हैं ना, जैसे हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट लाओ भाई कि आप यहाँ के मूल निवासी हो कि नहीं हो। तो मूल निवास या अधिवास योग्यता का सर्वप्रथम प्रयोग किया था यूएसए में। भारत में मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है 5 वर्षों के लिए। ये रटने वाले क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, कमान की एकता के सिद्धांत का व्यवहारिक उपयोग हमेशा व्यवहार्य नहीं होता। दोस्तों हिंदी वालों की तो ना बिल्कुल क्लास लेके रखते हैं सीबीएसई वाले। अब यहां पे देखो, कमान की एकता, कमान की एकता तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, ये कमांड की एकता है, कमांड, ठीक है, कमांड कौन दे रहा है, ठीक है, कमांड समझते ना, निर्देश, तो ये कमांड की एकता है ना कि कमान की एकता, ठीक है। तो देखते हैं इसको, इसने क्या बोला कि कमांड की एकता के सिद्धांत का व्यवहारिक उपयोग हमेशा व्यवहार्य, व्यवहार्य का मतलब कि वो उपयोगी नहीं होता है हमेशा, ठीक है। सामान्यतः प्रशासनिक तथा तकनीकी कार्यों में विभिन्न प्रकार के पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात कर रहा है। जो कमांड की एकता है, फॉर एग्जाम्पल मैनेजर ही कमांड देगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जो सामान्यतः प्रशासनिक तकनीकी काम होते हैं ना, टेक्निकल काम, वो वर्कर ज्यादा जानते हैं मैनेजर से। अगर बस वहां से मैनेजर ही कमांड देने लगा, चलो भाई तुम इधर से उधर जाओ, उधर से इधर जाओ, हालांकि टेक्नीशियन को उससे ज्यादा नॉलेज है, तो ये हमेशा व्यवहार्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये और आर दोनों से ही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ई शासन, ई गवर्नेंस का लक्ष्य सरकार तथा नागरिकों के बीच पारस्परिक अंतर क्रिया को बनाना है, अधिक दोस्ताना, बिल्कुल फ्रेंडली बनाना है, ये इसीलिए तो ई गवर्नेंस रखा है, सुविधाजनक, ताकि लोग घर बैठे ही ई गवर्नेंस, गवर्नमेंट से रिलेटेड या फिर शासन से रिलेटेड सुविधाएं प्राप्त कर सकते, पारदर्शी भी बनाना रखा गया है और किफायती भी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए बी सी डी। आर्थिक कूटनीति को इस रूप से भी जाना जाता है, जो आर्थिक कूटनीति है ना आज के टाइम में बहुत ज्यादा प्रचलित है, ये विकास की कूटनीति है कि विकास कैसे किया जाए, तो इसको आर्थिक कूटनीति बोला जाता है। कुछ लोग तेल कूटनीति में कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑयल डिप्लोमेसी जो कि आपकी अरेबियन कंट्री में चलती है, लेकिन वो इकोनॉमिक हो सकती है, लेकिन वो एक रीजनल लेवल पे है। तो विकास की कूटनीति तो ऑल ओवर चल रही है। तेल कूटनीति क्यों बनी? विकास को लेकर ही तो बनी, ताकि वो अपना विकास कर सके और अपने रेट्स को वो ऊपर नीचे जैसा उनकी मर्जी है कर सके, ठीक है।
निम्नलिखित में से क्या गुटनिरपेक्षता की विशेषता नहीं है? दोस्तों आई होप गुटनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होगा, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, जो विशेषता नहीं है वो देखते हैं। ये है, गुटनिरपेक्षता इस बात पर विश्वास करता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति राष्ट्रीय आकांक्षाओं को प्राप्त करने और सार्वभौम स्वतंत्रता के उपयोग के लिए एक असंबंध पूर्वेक्षा है। ये असंबंध नहीं है, ये संबंध पूर्वेक्षा है। तो ये मतलब एक आ ने देखो पूरा मीनिंग ही चेंज कर दिया यहाँ पे, और हमारा इस आ के ऊपर ध्यान भी नहीं जाता कई बार। ठीक ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 4। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय शक्ति के उपयोग की तकनीक नहीं है? जो राष्ट्रीय शक्ति है उसका उपयोग की तकनीक, उपयोग करने की तकनीक। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, विश्व संगठन में शामिल होना। दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रीय शक्ति की बात की गई है। राष्ट्रीय शक्ति किसी राष्ट्र के अंदर होती है, देश के अंदर होती है। फॉर एग्जाम्पल आप विश्व संगठन में चले जाते हो, आप यूएनओ के अंदर चले जाते हो, तो वहाँ राष्ट्रीय शक्ति थोड़ी बननी है आपकी, वहाँ तो आपकी सामूहिक सुरक्षा होगी, वहाँ पे तो सभी लोगों के सेम इंटरेस्ट रहेंगे ना। ठीक है, तो राष्ट्रीय शक्ति का ये साधन नहीं है। बाकी देखो कूटनीति है, आर्थिक शासन कला है, और सैन्य शक्ति का उपयोग, ये सारे के सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 44, ये कुछ बुक दी है और उनके लेखक दिए हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग, ये मतलब याद करने में बहुत टफ रहता है, तो इसका मैं आपको बता देता हूँ। इंटरनेशनल रिलेशन द थ्री ट्रेडिशंस, इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी द थ्री ट्रेडिशन, ये तो बहुत सिंपल है, तो आई थिंक ये सेट में भी पहले आ चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर है मार्टिन वाइट। और यहाँ पे देखो इसका बिल्कुल एक ही इसका आंसर है, अगर आपको एक ही पता है तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे मार्टिन वाइट। और बी, द नॉर्थ साउथ डिवाइडेड एंड द रिलेश इंटरनेशनल सिस्टम। दोस्तों नॉर्थ और साउथ में डिवाइड क्यों हुआ था? दोस्तों नॉर्थ और साउथ में 1990 के बाद डिवाइड हुआ था, और नॉर्थ वाली थी विकसित कंट्री और साउथ वाली थी अविकसित या विकासशील कंट्री। इनके बीच पर्यावरण के मुद्दों को लेके नॉर्थ साउथ डिवाइड हो गया था। नॉर्थ वाले ब्लेम कर रहे थे कि साउथ वाले ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, और साउथ वाले बोल रहे थे कि हम तो अभी विकास कर रहे हैं, लेकिन जो आप तो पहले से विकसित हो, आप तो बहुत ज़्यादा आपके पास सुविधाएं हैं, इसलिए आप पॉल्यूशन ज़्यादा क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो ये था नॉर्थ साउथ डिवाइड एंड इंटरनेशनल सिस्टम, और इससे जुड़े हैं एन बी एडम्स। ह्यूमन सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी के ऊपर पुस्तक लिखी है टेड बक्श, शेक बैनोन और अनुराधा चैनोय ने। इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन लिखी है गेरहार्ड वेरलस ने। तो इसका करेक्ट आंसर एक है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसे शक्ति का प्रतीक करेंसी ऑफ पावर माना जाता है? करेंसी ऑफ पावर ये माना जाता है परमाणु हथियार को, न्यूक्लियर वेपन को। न्यूक्लियर वेपन आज करेंसी बन गई है, जिसके पास जितने ज्यादा न्यूक्लियर पावर है वो उतना ज्यादा स्ट्रोंग है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात की होती क्लासिकल, या आपके कौटिल्य के टाइम की, या फिर मैकियावेली, या फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले की बात, तो उस टाइम क्या होती थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले होती थी सैन्य शक्ति, नॉट सैन्य तैयारी, सैन्य शक्ति होती थी मैकियावेली के टाइम में, करेंसी ऑफ पावर। ठीक है, और औद्योगिक क्षमता, आज के टाइम में औद्योगिक क्षमता भी पावर का एक पॉइंट है, लेकिन ये करेंसी ऑफ पावर नहीं माना जाता है, क्योंकि परमाणु हथियार यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 46, ये आई थिंक यूएन चार्टर से रिलेटेड है, जो यूएन का चार्टर बना है, तो देखते इसको इसमें से सही है आपने वो चूज करना है। ठीक है, चार्टर के अनुच्छेद 3 के अनुसार जिन देशों ने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन जून 1945 में भाग लिया था, और जिन्होंने 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, वे संयुक्त राष्ट्र के मूल सदस्य बने। बिल्कुल सही बात है, और मूल सदस्य 51 थे संयुक्त राष्ट्र के। ठीक है, उसके बाद है स्विट्जरलैंड 2003 में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। बिल्कुल गलत है, आपने एक बार चेक कर लेना कि कब बने, ये बना तो बहुत पहले, 2003 में नहीं बना ये। आम सभा का सामान्य सत्र सितंबर में आरंभ होता है और आमतौर पर वर्ष के अंत तक जारी रहता है। बिल्कुल सही बात है, जो जनरल असेंबली सितंबर से शुरू होती है और अंत तक चलती है।
आर्थिक और सामाजिक परिषद के सेवानिवृत्त हो रहे सदस्य तत्काल पुनर्निर्वाचित भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, इसलिए कई हुए हैं आज तक। तो इसका करेक्ट आंसर है ए सी डी बी, इसका है रॉन्ग आंसर। तो ए सी डी इज करेक्ट आंसर। किसने कहा था शीत युद्ध का आदर्श, शीत युद्ध का अंत आदर्श राज्य और उदारवादी पूंजीवाद के विजय का प्रतिनिधित्व करता है? दोस्तों ये फ्रांसिस फुकुयामा, सो सिंपल। फ्रांसिस फुकुयामा ने लिखी थी एंड ऑफ हिस्ट्री इन 1992, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, और उन्होंने बोला था कि शीत युद्ध के बाद क्या है, अब कम्युनिज्म का खात्मा हो गया है, ठीक है, और एकमात्र विचारधारा बची है वो है उदार लोकतंत्र जो कि अमेरिका के अंदर था। तो इन्होंने अमेरिका की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की और इन्होंने बोला कि उदार पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर वो सारी फैसिलिटी है, वो सारे गुण हैं जो एक आदर्श प्रकार की व्यवस्था में होने चाहिए, ठीक है, आदर्श प्रकार की व्यवस्था में होने चाहिए। इसलिए इन्होंने क्या बोला कि अब हिस्ट्री का एंड हो गया है, एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया है, अब राजनीति के अंदर दूसरे सिद्धांतों को खोजने की जरूरत नहीं है जिससे कि सिस्टम को अच्छा बनाया जा सके, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें सूची एक को सूची दो से आपको मिलाना है और ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे है कि सोवियत संघ और जर्मनी का मुख्य रूप से दिया है। आपको पता है जर्मनी इसमें एक्सिस की ओर से था, तो एक्सिस में तीन थे, जर्मनी इटली और जापान, और जर्मनी इसमें सबसे ज्यादा उग्र रहा। तो देखते हैं सोवियत संघ जर्मन अनाक्रमण संधि। दोस्तों हिटलर ने क्या किया था, सोवियत संघ के साथ एक अनाक्रमण संधि की थी कि अगर मैं पोलैंड के ऊपर आक्रमण करता हूं, जर्मनी हिटलर ने बोला अगर मैं पोलैंड के ऊपर आक्रमण करता हूं आप मतलब बिल्कुल ना तो आप उसके फेवर में जाओगे ना मेरे फेवर में, मतलब आप कोई वो नहीं करोगे, प्रतिक्रिया नहीं दोगे। तो इसके ऊपर सोवियत संघ बिल्कुल मान गया था, जिसका कि बाद में फायदा उठाया गया था आपका सॉरी जिसका बाद में हिटलर ने फायदा उठाया और उसने क्या कर दिया, वापिस उसके ऊपर आक्रमण कर दिया सोवियत संघ के ऊपर, 1941 में ही किया था। तो सोवियत संघ जर्मन अनाक्रमण संधि हुई थी अप्रैल 1941 के अंदर, ठीक है। जर्मनी का सोवियत संघ पर आक्रमण, जैसा कि मैंने आपको बताया अप्रैल के अंदर इन्होंने ये संधि की थी और जून के अंदर हिटलर ने आक्रमण कर दिया, क्योंकि हिटलर क्या महत्वाकांक्षी था, वो सोच रहा था कि चलो पोलैंड तो मेरे उसमें पोलैंड तो मेरे कब्जे में आ ही गया है, अब मैं सोवियत संघ को भी अपने कब्जे में करूं और अपना साम्राज्य बढ़ाऊं। जर्मनी का स्लोवाकिया पर कब्जा, जर्मनी का चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा, तो इसने कब्जा किया था। मार्च 1939 के अंदर, और पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण हुआ था सितंबर 1939 के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 49, दोस्तों ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसके आंसर की भी मेरे हिसाब से गलत दी है, मैंने अपनी बुक में भी देखी और ऑफिशियल आंसर की भी देखी, उसके अंदर इसका जो करेक्ट आंसर दिया गया है ए ए बी सी, लेकिन ए बी सी ओके, फिर तो ये ए बी सी गलत है ये दोस्तों। एक्चुअली यहाँ पे अगर ये ए बी सी इसका करेक्ट आंसर होता है, लेकिन यहाँ पे दिया है बांडुंग इंडोनेशिया का शहर है, ये तो बिल्कुल सही बात है, बांडुंग ही इंडोनेशिया का शहर है, बांडुंग इंडोनेशिया का शहर है, तो डी तो यहाँ पे आना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ए बी सी दिया है। तो जो मुझे लगता है इसका करेक्ट आंसर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए बांडुंग सम्मेलन 1955 के आयोजन का सुझाव श्रीलंका ने दिया था, बिल्कुल सही। इस सम्मेलन को आयोजित करने का तात्कालीन उकसावा ताइवान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक संधि सीटो की स्थापना और बगदाद पैक्ट से हुआ था, तो ये भी बिल्कुल सही है। इस सम्मेलन के आयोजन के विचार का सोवियत रूस और चीन ने स्वागत किया, मुझे बहुत डाउटफुल लग रहा है, अब सोवियत रूस क्यों इसका स्वागत करेगा कि तुम ना मेरे साथ मिलो ना उधर मिलो, क्योंकि वो तो चाहते थे ना कि मतलब उसको मेरे साथ मिले, ठीक है, तो ये मुझे डाउटफुल लग रहा है। और डी तो इसका करेक्ट आंसर है बांडुंग इंडोनेशिया का ही एक शहर है, तो इसका
ए बी डी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ए बी डी। क्वेश्चन नंबर 50, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंधित करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य यह वचन देते हैं कि सुरक्षा परिषद को इसकी मांग पर और विशेष समझौतों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से आवश्यक सशस्त्र बल और आवागमन के अधिकार सहित सहायता और सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। दोस्तों आपको पता होगा आवश्यक सशस्त्र बल भारत के सबसे ज्यादा है यूएनओ के अंदर, ठीक है, जो यूएनओ के अंदर भारत की फौज बहुत ज्यादा है, तो ये आर्टिकल 43 के अंदर दिया गया है। दोस्तों मैंने अपनी ओर से बहुत अच्छे तरीके से आपको ये लेक्चर दिया है और समझाने की कोशिश की है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।